हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SSC की तरफ से, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की तरफ से। फ्रेंड्स, MTS एंड हवलदार की पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है 2024 के लिए, बम्पर नंबर के सीट के लिए बहुत जल्द हम सभी के बीच आने वाली है। तो अगर आप भी इसका वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि मैं इसमें कंप्लीट डिटेल में मैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करने वाली हूं। और फ्रेंड्स, अगर किसी भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह आपको चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पर अपलोड कर देती हूं। और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पर आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहले ही बता दिया है आपको, SSC के अंदर MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार की पोस्ट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है। बम्पर नंबर का सीट इसलिए बोली थी क्योंकि टोटल पोस्ट जो रहेगा ना आपका 5,000 से लेके 12,000 के बीच का रहेगा, ठीक है। अब इन सब पोस्ट के लिए जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा, देख लीजिए फ्रेंड्स। जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज लिया जाता है। वहीं पर अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो, ऑल कैंडिडेट फीमेल, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अब रही बात की एज की लिमिट क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि किस तिथि के अनुसार एज की गणना होगी। 1 जनवरी 2024 के अनुसार MTS की पोस्ट के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष, हवलदार की पोस्ट के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल होंगे। आपको पता है कि अपर एज की जो लिमिट होती है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो OBC को मिल जाएगा 3 वर्ष का और SC ST को 5 वर्ष का मिलेगा, ठीक। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल आसान है, जिन्होंने भी 10वीं पास कर लिया है वो सभी बच्चे इलिजिबल रहेंगे। क्या आपका परसेंटेज है इससे कोई मतलब नहीं, मैट्रिक पास है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो दो तरह के पोस्ट है, MTS के लिए ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई करना है, फिर DV होगा, फिर मेडिकल होगा। वहीं पर हवलदार की पोस्ट समझ ही रहे होंगे नाम से कि इसमें फिजिकल होगा। देखिए, CBT एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा, तब जाके ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलूँ कि आपका फॉर्म कब आएगा, किस डेट से किस डेट तक अप्लाई होगा। देखिए, 7 मई 2024 से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और आखिरी डेट जो रहेगा 6 जून 2024 रहेगा। तो आपको 6 जून का इंतजार नहीं करना रहेगा, फॉर्म ऑनलाइन होगा तो अप्लाई कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ SSC का जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें इसका डेट रिलीज कर दिया गया कि आपका एग्जाम कब होगा ऑनलाइन। देखिए, जुलाई अगस्त में आपका पेपर भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज डिटेल्स में। देखिए फ्रेंड्स, पहले ही आपको बताया कि MTS के लिए सिर्फ एग्जाम होगा और हवलदार की पोस्ट के लिए भी सेम ही एग्जाम होता है, उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल एग्जाम जो होता है। लास्ट ईयर इसका सिलेबस चेंज हुआ है। एग्जाम आपका टोटल होता है 90 प्रश्न का और 90 मिनट का पेपर होता है, लेकिन अब इसको 2 सेशन में डिवाइड कर दिया है। चलिए पहले सेशन 1 समझेंगे, तब सेशन 2 में बढ़ेंगे। सेशन 1 आपका 45 मिनट का होता है, क्वालिफाइंग पेपर रहता है, इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। 40 प्रश्न रहेगा 120 नंबर के लिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलता है। विषय वाइज बात करें तो सेशन 1 में मैथ का 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के लिए, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के लिए, ठीक है। और आपको पहले बताया कि क्वालिफाइंग है, तो क्या आपका कैटेगरी वाइज परसेंट आपको मार्क्स लाना है। जनरल को लाना है कम से कम 30%, OBC और EWS को 25%, SC ST को 20%। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग, आपको पास होना है। इसमें इतना परसेंट मार्क लाएंगे तभी आपका सेशन 2 का जो मार्क है वो जुड़ेगा, लेकिन जो मेरिट बनेगा वो सेशन 2 के नंबर के आधार पे। चलिए देख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, सेशन टू आपका 45 मिनट का होगा, मतलब कि पहले 45 मिनट में सिर्फ और सिर्फ आपका ये 40 प्रश्न ओपन होगा। उसके बाद जैसे ही समय समाप्त होगा तो आप जब सेशन टू में आ जाएंगे तो आप चाह के भी फिर गणित और रीजनिंग के प्रश्न नहीं बना पाएंगे। तो इस चीज को दिमाग में रखना है, अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए अब सेशन टू में आपका 50 प्रश्न है 150 नंबर के लिए, इसमें भी एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा। जीके और करेंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जैसा पहले सेशन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन फिर सेशन टू में आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा, एक गलती करिएगा तो एक नंबर कट जाएगा। आई होप एग्जाम पैटर्न समझ गए होंगे। तो एमटीएस के लिए बस ये एग्जाम क्वालिफाई करिएगा, डीवी और मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब जो बच्चे हवलदार के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको एग्जाम देने के बाद यहाँ पर फिजिकल भी देना होगा। तो फिजिकल का क्राइटेरिया मैं समझा देती हूँ मेल फीमेल दोनों के लिए। सबसे पहले तो आपका वॉकिंग का टेस्ट होता है, 1600 मीटर की वॉकिंग आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट को। फीमेल्स को 1 किलोमीटर की वॉकिंग 20 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हाइट जो है मेल के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर है, जिसमें रिलैक्स दिया जाएगा रिलैक्सेशन 2.5 सेंटीमीटर का, मतलब 152.5 सेंटीमीटर जो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 157, रिजर्व्ड वालों के लिए 152.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से फीमेल का जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 152 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन 2.5 सेंटीमीटर का है। तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले होंगे उनको यहाँ पर 149.5 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए। चेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट का कैलकुलेट होता है 81 से 86 सेंटीमीटर, और वेट सिर्फ फीमेल का होता है कम से कम 48 केजी होना चाहिए। तो आपको तो सब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में बता ही दिया है कि फिजिकल के बाद डीवी और मेडिकल होगा। और फ्रेंड्स, रही बात की एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा, तो एसएससी का जो आपको नियर बाय सिटी में 3 चूज करना होता है वहीं पर एग्जाम होता है। और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब करने का मौका दिया जाता है। जॉब करेंगे सैलरी क्या मिलती है आइए बता देती हूँ। एमटीएस की पोस्ट के लिए लेवल 1 की सैलरी होती है शुरुआती दौर में 18,000 से 22,000, ये आपका शहर बाई शहर चेंज होता है। हवलदार की पोस्ट के लिए 20,000 से 22,000 शुरुआत में मिलती है, बाद में सैलरी भी अच्छा खासा बढ़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आप इसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो स्पीड को बस बूस्ट कर लो। आई होप कि सारा डाउट एंड कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब भी कुछ क्वेश्चन है तो क्वेरी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।